क्या लेना देना भाई, जातियों के बारे में बात कर क्या मिल जाएगा? बिहारियों के बारे में बात कीजिए ना, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, ब्राह्मण कहाँ से है, तो क्षत्रिय कहाँ से है, तो दलित कहाँ से है, आज की तारीख में उनके हालात क्या हैं? क्या ये लोग कह सकते हैं कि जिस समाज का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं या जिस समाज की ये लोग समीकरण बना के चलते हैं, उस समाज के सब लोगों को संतुष्ट कर दिए, बहुत खुश सब लोग चल रहे हैं, किसके बारे में कह सकते हैं? लाखों लोग हैं जो उनमें आस्था रखते हैं, लाखों लोग हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, और ये आस्था का व्यक्तिगत विषय होता है। जिसको आस्था, भाई आपकी आस्था किस चीज़ में, संभवतः मेरी नहीं होगी, मेरी आस्था जिस चीज़ में है उसमें आपकी आस्था नहीं होगी, इससे क्या लेना देना राज्य की राजनीति का या देश की राजनीति का? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग पासवान जी, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अधिवंश यादव, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है वो भारत के नहीं है, विदेशी है, उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। क्यों बयान ये सब देते हैं? देखिए, हम ईमानदारी की बात है, ऐसे बयानों पर हम टिप्पणी भी करना ना समय की बर्बादी समझते हैं। क्या लेना देना भाई, जातियों के बारे में बात कर क्या मिल जाएगा? बिहारियों के बारे में बात कीजिए ना, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, ब्राह्मण कहाँ से है, तो क्षत्रिय कहाँ से है, तो दलित कहाँ से है, आज की तारीख में उनके हालात क्या हैं? क्या ये लोग कह सकते हैं कि जिस समाज का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं या जिस समाज की ये लोग समीकरण बना के चलते हैं, उस समाज के सब लोगों को संतुष्ट कर दिए, बहुत खुश सब लोग चल रहे हैं, किसके बारे में कह सकते हैं? भाई हकीकत है, हिंदुस्तान में अमीरी गरीबी का जो फर्क है, और उस गरीब जाति में, गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। क्यों नहीं सबको आगे लेकर चलने की बात करते हैं? क्यों ये लोग सिर्फ जातियों की बात करते हैं? और क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? जो अभ्यर्थी जो सड़क पे जो इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्या हल हो जाएगी इनकी ये बात करने से? या छात्रों का भविष्य बेहतर हो जाएगा, या ये बोलने से पलायन रुक जाएगा, या ये बोलने से बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी? क्या लाभ मिलेगा? सिर्फ समय की बर्बादी। बाबा बागेश्वर का विरोध करेंगे, गांधी मैदान में दरबार लगने वाला था, लेकिन अब नौबतपुर में उसका जो है शिफ्ट कर दिए हैं। भाई पुनः मैं दोहराता हूँ, ये सारी बातें मैंने हमेशा कहा, आस्था का विषय है, लाखों लोग हैं जो उनमें आस्था रखते हैं, लाखों लोग हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, और ये आस्था का व्यक्तिगत विषय होता है। जिसको आस्था, भाई आपकी आस्था किस चीज़ में, संभवतः मेरी नहीं होगी, मेरी आस्था जिस चीज़ में है उसमें आपकी आस्था नहीं होगी, इससे क्या लेना देना राज्य की राजनीति का या देश की राजनीति का? भाई वो आ रहे हैं, आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, अंतोगत वह देश तो संविधान के आधार पर ही चलेगा ना, पर जिन लोगों की आस्था है उनमें उसको रहेंगे तो उसमें क्या फर्क होगा? चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान, जो कि बिहार से हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना वाले उनके घर से, चिराग पासवान की। हमने उनसे सवाल किया कि किस तरीके से आरजेडी के पूर्व विधायक अधिवंश यादव ने बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर, उस पर चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके का बयान जो है वो किसी भी नेता को या किसी भी लोग को नहीं देना चाहिए, इससे क्या मतलब है इस तरह के बयानबाजी से? फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं, देखिए एक विजुअल के साथ किस तरीके से आम लोगों से चिराग पासवान जो है वो बातचीत जो है वो करते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर। देखिए ये जो दौरा था, इस दौरे में चिराग पासवान मुजफ्फरपुर जाते हैं, चिराग पासवान सासाराम जाते हैं, चिराग पासवान का कार्यक्रम जो है वो मोतिहारी में होता है, और जो आम लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर चिराग पासवान से फिलहाल जो है वो बात कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ पोजीशन।